Java Shell, a programmer's Perl. चलिए अब हम अपने आगे के लेक्चर्स पढ़ें। आज हम इंस्टॉलेशन के बारे में जानेंगे जावा डेवलपमेंट किट की। जावा डेवलपमेंट किट होता क्या है आखिरकार? ये एक सॉफ्टवेयर है जो जावा प्रोग्राम्स बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमें इसका वर्जन 11 यूज करना पड़ेगा और साथ ही हमें इंटेलिज आई आइडिया सॉफ्टवेयर भी यूज करना पड़ेगा, जो बिल्कुल नेटबीन्स की तरह है, प्रोग्राम्स बनाने में हमारे लिए सहायता करता है। एक बात आपको जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा कि इंटेलिज आइडिया बहुत ही फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली फॉर बिगिनर्स। अब हम जानेंगे इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। पहले आप गूगल खोलेंगे, बिल्कुल इस तरह। इसमें हम, क्योंकि ये अमेज़न का प्रोडक्ट है, हम इसमें लिखेंगे अमेज़न कोरेटो, बिल्कुल इस तरह। अब हम इस लिंक को खोलेंगे और इसमें वर्जन 11 को डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल ये वाला। ध्यान रखिए, हमें वर्जन 11 डाउनलोड करना है। दोस्तों, अब हम विंडोज के लिए कर रहे हैं तो हमें विंडोज के लिए ही डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप लाइनक्स यूजर है तो आप लाइनक्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैक यूजर हैं तो या आप मैक वाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम विंडोज यूजर हैं तो हम विंडोज के लिए डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल इस तरह। आप इसे सेव करेंगे। इसे करीबन 10 से 20 सेकेंड लग सकते हैं। हमारे अंदर ये इंस्टॉल पड़ा है जिसे हम खोलेंगे। अब हम इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। बिल्कुल ये ऐसा एक आइकन बन जाएगा। इसे खोलें और नेक्स्ट करें, नेक्स्ट अगेन और इंस्टॉल कर दीजिए। बहुत ही आसान है। इसमें कुछ वक्त लग सकता है। ये जब कंप्लीट हो जाए तो आप देखिएगा कि आपका ये सेटअप पूरा इस तरीके से इंस्टॉल हो गया। और आपको एक और बात चेक करनी है कि ये अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर टाइप करना होगा जावा स्पेस डैश वर्जन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये JDK आपके अंदर पूरे तरीके से अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। धन्यवाद। दोस्तों, अब हमने JDK इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें IntelliJ आइडिया की जरूरत है। अब हम गूगल खोलेंगे, JetBrains लिखेंगे। JetBrains बेसिकली ये इस तरह के काफी टूल्स बनाता है। इसे ऑन किया, टूल्स में गए, IntelliJ आइडिया को क्लिक किया और डाउनलोड किया। इसमें दो तरह के वर्जन्स है, हमें अल्टीमेट डाउनलोड करना है। ठीक है, मेरे पास पहले भी एक डाउनलोड हुआ पड़ा है, आप चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं साथ साथ। ये बहुत ही प्रोग्रामिंग में, बहुत तरह के प्रोग्राम्स बनाने में हमारी मदद करता है, चाहे वो एंड्रॉयड के हो, PHP MySQL हो, C++ हो, C के हो। तो ये एक IDE है जिसमें हम अपने हर तरह के प्रोग्राम्स बना पाएंगे और अपनी एप्लीकेशंस रन कर पाएंगे। आप यस कर दीजिए, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। इसमें आप, अगर आपका 32 बिट है तो इसमें दो ऑप्शंस अपने आप आ जाएंगी। मेरा 64 बिट है तो आई विल क्लिक ऑन दैट एंड यू हैव टू क्लिक 3 ऑफ देम, फिर नेक्स्ट कीजिए, इंस्टॉल। ये भी कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। बेसिकली ये इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट है। इसमें आप अपनी जावा की प्रोग्रामिंग लिखेंगे, अपनी एप्लीकेशंस रन करेंगे और
इसमें आउटपुट बहुत ही अच्छे ढंग से आएगा। पहले एक टाइम में नोटपैड में लोग लिखा करते थे और कमांड प्रॉम्प्ट में अपने प्रोग्राम्स को रन किया करते थे। उन चीजों ने हमारी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेट कर दी थी, पर इसमें काम करना बहुत ही आसान है। आप खुद देख पाएंगे कि रनिंग में एरर्स की चेकिंग के समय आपको बहुत ही आसान लगेगा हर काम करना, और इसमें आउटपुट भी साथ ही आ जाता है, आपको कमांड प्रॉम्प्ट खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी कुछ ही देर में ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ ही परसेंटेज रह गई है। दोस्तों, एक बार आप जावा पे मास्टरी कर लेंगे तो आप एंड्रॉयड भी बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। मेरा ध्यान आपको सिर्फ जावा पे नहीं और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ लेकर जाने का है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है एंड वी हैव टू क्लिक ऑन फिनिश नाउ। इट्स डन। अब बाहर देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें इसे दबाना है। You have to click on it. Okay. इसमें दो तरह की थीम्स आएंगी, एक डार्क और लाइट। आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मुझे तो लाइट रंग ज्यादा पसंद है। इट्स मोर ग्रेसफुल। इफ यू वॉन्ट टू चूज दिस यू कैन। इससे आपकी प्रोग्रामिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट एंड स्टार्ट। Here it is. Thank you, दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Bye bye. Please don't forget to like, subscribe and share my page.